काल तमिळनाडूजवळ हेलिकॉप्टर अपघातामध्ये सीडीएस बिपिन रावत त्यांच्या पत्नी आणि त्यांच्यासह 11 जणांचं निधन झालेलं आहे. या निधनाविषयी देशभरातनं सध्या शोक व्यक्त होतोय. जिथे हेलिकॉप्टर कोसळलं तिथे एबीपीची टीम पोहोचली आहे. सध्या दुर्घटना झालेल्या ठिकाणी लष्कराचे अधिकारी पोहोचलेले असून त्यांच्याकडून पंचनामा घटनास्थळाचा सुरू करण्यात आलाय. या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेचं नेमकं कारण काय हे शोधण्यासाठी एक चौकशी समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले गेले आहेत आणि नेमकं कारण शोधण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीमही तिथे पोहोचली आहे. पंचनामा सुरू आहे. हे हेलिकॉप्टर देशातलं सर्वोत्तम हेलिकॉप्टर होतं. जे पायलट हे हेलिकॉप्टर चालवत होते ते निष्णात पायलट होते, त्यामुळे तरीही अपघात कसा घडला असा प्रश्न उपस्थित होतोय. तर जिथे हेलिकॉप्टर कोसळलं त्या ठिकाणी एबीपीची टीम पोहोचली आहे. सध्या दुर्घटना झालेल्या ठिकाणी लष्कराचे अधिकारी दाखल झाले असून त्यांच्याकडनं पंचनामा सुरू करण्यात आलाय. आता कुन्नूरजवळ जिथे ही दुर्घटना घडली तिथे आमचे प्रतिनिधी प्रसन्न सध्या आहेत. प्रसन्न, यह घटना बहुत ही गंभीर है, पूरे देश में इसके चर्चे हैं. फिलहाल घटनास्थल से क्या जानकारी है और जहां यह घटना घटी हुई है वहां का इलाका कैसे है? जी, हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है जहाँ पे ये हादसा हुआ. MI-17 ये हादसा ग्रस्त हुआ, इसमें 13 लोगों की जान गई. आप लोग देख सकते हैं यही जगह है, तो जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है जहाँ पे ऑफिसर्स ब्लैक स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जान पड़ताल कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसा हुआ, तो यहाँ पे कैसे आग लगी और जानकारी जुटा रहे हैं कि आज से की वजह क्या हो सकता है. मलबा सभी छानबीन कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट कम्युनिकेशन ATR से क्या हुआ था करके पड़ताल कर रहे हैं. ये नीलगिरी इलाका है, आप लोगों को दिखा दे, ये बड़ा टेरेन है एक्चुअली, पहाड़ी इलाका है जहाँ से सोलूर से जब ये MI-17 उड़ान भरा था तो इसी टेरेन से वो के गुजरा था. आप लोग देख सकते हैं विजुअल्स में कितना बड़ा टेरेन है, माउंट पहाड़ी इलाका है. इस पहाड़ी इलाके से होते ही यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे ही था तो लोकेशन जहाँ पे बिपिन रावत आके संबोधित करने वाले थे लोगों को. मगर ये हादसा लोगों का, चश्मदीद लोगों का कहना है कि जब आसमान पे उड़ रहा था तभी आग लग गई थी इस पे, जब आसमान पे उड़ रहा था तभी आग लग गई थी. तो वो चश्मदीद लोगों का कहना है जब गिरा तभी बड़ा सा धमाका हुआ, धमाके की वजह से वो पेड़ के बीच में आग गिरा, जब 20 फीट की आग लगी थी एक्चुअली. जब उन लोगों ने यहाँ से पानी भर के सभी उन लोगों की को बचाने की कोशिश किया तो तब तीन लोगों का जान थी एक्चुअली, तो उसमें तीन लोगों की जान के लिए उन लोगों ने थोड़ा पानी पिलाया और लोगों को इसी कठिन रास्ते से, एक छोटा रास्ता जाता है ऊपर की रास्ते जाता है, तो इसी रास्ते से लेके उन लोगों को ऊपर पहुंचाए. ऊपर पहुंचाने के लिए लगभग आधा घंटा हो गया था, तो क्योंकि छोटा रास्ता ही उस जगह पे पहुंचाता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर गिरा था. तो जब मौके पे अभी छानबीन कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. जी प्रसन्न, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए. अपडेट्स हम आपसे जानते रहेंगे. तो आमचे प्रतिनिधी प्रसन्न यांनी दाखवलंय की नेमका हा परिसर सगळा कसा आहे. अत्यंत कठीण ठिकाणी हा अपघात झाल्यामुळे बचाव करायलाही काहीसा विलंब झाला, तरीसुद्धा प्रयत्नांची शर्थ करून अशक्य तितक्या लोकांचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु दुर्दैवानं 13 लोकांचा या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेमध्ये मृत्यू झालेला आहे. ही सध्याची थेट दृश्य आपण पाहतोय आणि सध्या देशाचे एअर चीफ मार्शल विजय चौधरी हे सुद्धा घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत. कारण जसं कालपासूनच या घटनेबद्दल बोललं जात आहे, या हेलिकॉप्टर हे हेलिकॉप्टर विशेष हेलिकॉप्टर होतं, दोन इंजिन असलेलं हेलिकॉप्टर. देशातले VVIP जेव्हा जेव्हा हेलिकॉप्टरनं प्रवास करतात तेव्हा याच मेडचं हेलिकॉप्टर वापरलं जातं, त्यामुळे उत्कृष्ट पायलट असून
हेलिकॉप्टर मध्ये उड्डाणाच्या वेळेला कोणताही तांत्रिक बिघाड नसून सर्व चेकिंग झालेलं असताना सुद्धा ही दुर्घटना नेमकी का घडली, कशामुळे घडली, हा प्रश्न कालपासून चर्चेत आहे. देशाचे एअर चीफ मार्शल विजय चौधरी हे सुद्धा घटनास्थळी पोहोचलेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.